कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक एचपी की मोटर आप इस इन्वर्टर पर रनिंग करके दिखाइए, यानी कि ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं 1050 वीए का है और वो जो मोटर आप देख रहे हैं 1 एचपी की मोटर है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस इन्वर्टर पर इसको रनिंग करवाने वाले हैं और आप देखिएगा कि किस तरह से ये इन्वर्टर पर रनिंग करेगी। और इससे लगभग 4000 लीटर का टैंक ऊपर लगाया गया है, वो भरा जाता है इस मोटर से और लगभग इसकी हाइट 30 से 40 फीट के आसपास हमारे को देखने को मिलती है। 40 फीट के आसपास ये पानी को ऊपर इंटर करता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इस इन्वर्टर से हम उसे इनपुट देंगे और इस मोटर को चला के देखने वाले हैं और मल्टीमीटर के थ्रू भी आपको बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा कि इन्वर्टर के जो पॉजिटिव कनेक्शन है इसको मैं इंटर करता हूँ इसके बैटरी के आउटपुट इनपुट साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अटैच किया तो इन्वर्टर प्रॉपर्ली वर्क करने लग गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन्वर्टर अभी वर्किंग मोड पर है। बैटरी को साइड में करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोटर के मैं स्पेसिफिकेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि मोटर की स्पेसिफिकेशन हमारे को यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि मोबाइल्स को यहाँ पर कैमरे को ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मोटर को आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है 1 एचपी की मोटर। तो इसको मैं यहाँ अब कनेक्ट करने वाला हूँ। ये है हमारा मल्टीमीटर। तो मैं मल्टीमीटर को एक वायर के अंदर यहाँ पर अटैचमेंट करता हूँ और यहाँ पर इस मल्टीमीटर के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं एक वायर को मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ और यहाँ पर दूसरे वायर को मैं अटैच करता हूँ। तो यहाँ पर मोटर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो एम्पियर आप देख सकते हैं, मोटर का साउंड सुनिएगा। जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसके एम्पियर्स बढ़ते जाएंगे, नज़र आएंगे, देख सकते हैं आप। मोटर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। इन्वर्टर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा है अभी। तो जैसे ही एम्पियर वाटर ऊपर चढ़ रहा है, 3 एम्पियर के आसपास चला गया है और पानी है वो ऊपर जाता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी भी आ रहा है और आप एम्पियर भी देख सकते हैं 3.5। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो वोल्टेज है ओवरलोड कंडीशन में हमारा इन्वर्टर आ चुका है। अब ऑटो ऑन होगा ये वापस। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से ऑटो ऑन हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 हमारे को देखने को मिल रहा है एम्पियर और ये ओवरलोड कंडीशन में आ चुका है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? तो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से इस इन्वर्टर ने बहुत ही आसानी से चला दिया है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वो ओवरलोड क्यों हो रहा था। वो ओवरलोड इसलिए हो रहा था कि जो मोटर की और टैंक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 40 से 50 फीट के अराउंडली है। तो इतनी दूरी तक वो जो पानी पहुँचते उस मोटर के ऊपर ओवरलोड कंडीशन में आ गया था। तो क्यों आ रहा था? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर और लोड ज़्यादा हो गया था वाटर का। अगर आप इस इन्वर्टर से 1 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको मोटर दिखाया था वो कौन सी मोटर है, अगर आप इस तरह की मोटर आप अगर उस इन्वर्टर पर चलाना चाहते हैं तो आपको हाइट कम रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे 40 फीट के अराउंडली हाइट है, तो आप 10 फीट या 15 फीट के आसपास आप ऊंचाई रख सकते हैं उसकी, और उस मोटर का जो पानी का जो लेवल है वो लगभग 15 से 20 फीट या 10 फीट या 15 फीट के अराउंडली आप रख सकते हैं। तब तो आप इस इन्वर्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग करवा सकते हैं इन्वर्टर को। देखा आपने कितनी देर तक वो मोटर चली और जैसे जैसे पानी ऊपर गया, जैसे जैसे पानी ऊपर तक पहुंचा, वहाँ हमारे जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इन्वर्टर के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आप लगभग 1 एचपी की मोटर चला सकते हैं इस इन्वर्टर से, लेकिन इस पर बैटरी आपको लगभग 200 एम्पियर की लगानी होगी। 200 या 220 यानी कि 120 एम्पियर की इसके ऊपर अटैचमेंट करनी होगी। और मेरी सलाह है कि सिंगल इन्वर्टर से आप बिल्कुल भी ना चलाएं, डबल वाले इन्वर्टर हो उससे आप इस तरह की मोटर्स चला सकते हैं पानी वाली। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं फिलहाल के लिए, अभी हम बाय बाय दोस्तों।